नमस्कार मित्रों ओम नमः शिवाय आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय जिससे आपको संतान प्राप्ति होगी साथ ही प्रदोष व्रत के दिन सुनने वाले या फिर पढ़ने वाले कुछ ऐसे मंत्र जिसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो ये मंत्र आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं इस व्रत का लाभ व फल क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए आइए जाने प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदोष व्रत लाभ व फल मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों को संतान नहीं होती उन्हें प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी जाती इस व्रत को रखने से घर में सुख समृद्धि आती अगर आप विवाहित जीवन में समस्या चल रही है तो इस व्रत को रखने से आपकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाती प्रदोष व्रत रखने और शिव पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं वहीं जिन कन्याओं के विवाह में कोई दिक्कत आ रही है वह भी इससे दूर हो सकती इसके साथ ही अशुभ ग्रहों की अशुभता भी दूर होती है शनि और चंद्रमा की अशुभता को दूर करने में मदद मिलती है शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से दो गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आया है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी अन्याय और अनाचार का अधिकार होगा मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत शिव आराधना करेगा उस पर शिव कृपा होगी इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है दोष व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है आपके घर में सुख समृद्धि आती है जीवन की समस्याएं दूर होती है इसी के साथ सनी देव की कृपा भी प्राप्त होती है सनी देव की कृपा से जीवन में तरक्की प्राप्त होती है आपकी नौकरी व्यापार आर्थिक स्थिति में उन्नति होती है मान्यता है कि नियम पूर्वक प्रत्यक्ष प्रदोष व्रत करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और इस जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है प्रदोष व्रत के दिन क्या नहीं खाना चाहिए प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें ध्यान रखें प्रदोष व्रत में लाल मिर्च अन्न चावल और सादा नमक नहीं खाई जाती याद रखें इस समय आपको कुछ भी नहीं खाना है परंतु शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति फलाहार ले सकता है व्रत उपवास के समय फलाहार और खाने पीने की चीज़ें एक ही बार ग्रहण करें बार बार मुँह जूठा कर व्रत ना करें व्रत में क्या खाना चाहिए प्रदोष व्रत यूँ तो निर्जला रखा जाता है इसलिए इस व्रत में फलाहार सेवन ही विशेष महत्व है प्रदोष व्रत पूरे दिन रखा जाता है इसलिए व्रत के नियमों का पालन जरूरी है सुबह नित्य कर्म के बाद स्नान करके व्रत का संकल्प ले फिर दूध का सेवन करें और पूरे दिन व्रत धारण करें प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूँग का सेवन करना चाहिए क्योंकि हरा मूँग पृथ्वी तत्व है और वे मंदाकनी को शांत करते हैं प्रदोष व्रत के दिन इन मंत्रों का पाठ अवश्य करें भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमते रुद्राय नीलकंठाय सर्वाय शशिमौलिने उग्राग्राधनाशाय भीमाय हारिणे ईशानाय नमस्तुभ्यं पशूना पतिय नमः ओम नमः संभाय च मनोभवाय च नम च संकराय च मयस्कराय च शिवाय च शिवतराय च संतान प्राप्ति और जल्द विवाह की मनोकामना रखने वाले जातकों को शनि प्रदोष व्रत के दिन यह खास उपाय करें शनि त्रयोदशी के दिन शिवलिंग पर ग्यारह फूल ग्यारह पेल पर पत्र अर्पित करने की सलाह देते ऐसा कहते हैं ऐसा करने से सनी देव से राहत मिलती है शनि त्रयोदशी के दिन तेल में अपना चेहरा देखकर उस तेल का दान करें ऐसा करने से सनी देव का आशीर्वाद ही प्राप्त नहीं बल्कि शनि दोष से मुक्ति भी मिलती है शनि प्रदोष के दिन काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाने से सोई हुई किस्मत जाग जाती है शनि त्रयोदशी के दिन भगवान शिव के साथ सनी देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए शनि चालीसा के साथ साथ स्रोत का भी पाठ करना चाहिए ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है